आप रहा हूँ, दुख मुझे रोना आ रहा है क्यों? मेरे पूरे कमरे की हालत देखो कैसी हो रही है। 20-22 दिन हो गए। अरे फिर बहुत टाइम बाद मिलते हैं, चलो ठीक है भाई। आज आंटी बड़ी तारीफ करेंगे आपकी, मेरी मेरी बेटी सामान खरीद के ले आई आज। Hey guys, welcome back to our channel, Good Life for Kuvraj. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुड लाइफ ऑफ युवराज। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मम्मी को जाना था भागवत में सुबह सुबह, तो मम्मी तो रेडी होके निकल भी गई हैं भागवत के पापा के साथ, और अब मम्मी तो शायद आने वाली होंगी 1-1.5 घंटे में। मम्मी से मिलवाऊंगा और मम्मी मेरी रेडी वेडी होके जा रखी हैं, आज कलश यात्रा थी तो इसलिए। और चलो अभी हम दोनों घर फिलहाल अकेले हैं, ताई दी और मैं अभी हम काम कर रहे हैं, तो ताई दी फिलहाल किचन में, मिलवा दूँ आपको उनसे। देखो गाइज, ताई से मिल लो। हेलो ताई दी। तो गाइस, ताई से आपने मिल लिया। अब मैं आपको बता देता हूँ, मौसी लोग कल जा रहे हैं, मतलब जिस दिन व्लॉग आएगा मतलब उस दिन मौसी लोग जा चुके होंगे हल्द्वानी, और गाइस इस बार तो नहीं जाना हो पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मौसी से बोलूँगा पॉसिबल हो पाए तो मौसी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बना के भेज पाए वहाँ से। एंड बाकी अब आपको अगर हम शाम को जाना होगा तो मौसी से मिलवाऊँगा आपको आज व्लॉग में। तो अभी तो फिलहाल मैं ट्यूशन से आ चुका था, तो ज़्यादा मैं मौसी थी नहीं घर पर, शायद या फिर मौसी शायद नहाने जा रही थी तो इसलिए मौसी थी, मतलब मैं भी नहीं मिला मौसी से, तो आपको से क्या ही मिलवा था। तो गाइस फिलहाल तो यहाँ मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूँ, एंड देखो पॉपकॉर्न गलती जल गए थे मेरे से ना, मैं मतलब रख के भूल गया था, तो थोड़े थोड़े देखो जल गए नहीं, लेकिन टेस्टी हो रहे हैं फिर भी। तो गाइस देखो, मम्मी भी आ चुकी है भागवत से। मम्मा कैसे लगा आपको फर्स्ट डे के ला वो कलश यात्रा? काफ़ी अच्छा, सुंदर सुंदर लग रहा था, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। हाँ, और देखो मम्मी का मेकअप देख ही सकते हो। तो गाइज अभी तो फिलहाल हम काट रहे हैं तरबूज, वाटरमेलन काट रहे हैं पापा और हम लोग सब मिलके अभी खाएंगे यहाँ पर, ताई दी काट रहे हैं। और आज इनका पेपर भी है CUET का, है ना? तो वहाँ भी जाएंगे अभी, तो रेडी हो रखे हैं। देखो 2000 years later। तो गाइज फिलहाल तो अभी मैंने कितने घंटे की नींद लेके, मम्मी मतलब बहुत देर 4-5 घंटे की नींद लेके मैं उठ गया हूँ, और मम्मी देखो यहाँ मेरे लिए बना रही है, पापा के लिए बना रही है चाय, है अम्मा? देखो चाय बन रही है हमारे लिए। तू तो रात को जागरण करेगा? अरे पता नहीं, मैं एक सो गया था, फिर मैं सो ही गया। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मौसी लोग कल हल्द्वानी जा रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल क्या है, और एक बैग जो था मौसी का सूटकेस टाइप वो हमारे घर पे था, तो मौसी को देने जाना है, तो अब चलते हैं मौसी घर और मिलवाता हूँ आपको मौसी से। तो ठीक है, मैं बाय, मैं जा रहा हूँ मौसी के घर। नहीं नहीं ठीक है, ये बैग दे ले मौसी। गाइस फिलहाल तो अभी मैं मौसी के घर आ चुका हूँ, और देखो पूरा मौसी का पूरा काम फैल रखा है, ये देखो पूरा पैकिंग चल रही है मौसी की, और अब मौसी कल जा रही है हल्द्वानी। है मौसी, आपको दुख? मुझे रोना आ रहा है। क्यों? मेरे पूरे कमरे की हालत देखो कैसी हो रही है। तो मौसी को मतलब खुशी, अभी तो फिलहाल दुख हो रहा है, कल तो फिर मजे आएंगे, अभी थोड़ा थोड़ी देर का क्या बोलते गम है। मेरे को ऐसे ही होता है कि ट्रेवल से पहले ना मिक्स फीलिंग हो जाती है, मतलब मुझे बहुत बुरा सा लगता है। तो गाइस देखो, जो मौसी से टेंशन ले रही थी कि कैसे सिमटेगा, सिमट ही गया। हाँ तो अब बाय बाय मौसी, मिलते हैं आपसे। अब हम कितने आओगे कब? 20-22 दिन। अरे फिर बहुत टाइम बाद मिलते हैं, चलो ठीक है बाय। तो गाइस घर तो पहुँच चुका हूँ मैं, और अभी बस अभी टाइम्स भी आने वाले हैं, उनका पेपर आज एग्ज़ाम था तो वो भी जा रखी थी, बस वो भी आने वाली है अभी थोड़ी देर में। तो गाइस फिलहाल तो यहाँ मैं ले आया हूँ हॉलीडे होमवर्क करने के लिए सामान, तो अब हम करते हैं हॉलीडे होमवर्क, आज से स्टार्ट कर दिया है, चलो अब करते हैं। ये कुछ पेजेस हैं, लाइनिंग शीट, ये फाइल्स हैं, और नीचे हैं एफ साइज शीट। गाइस फिलहाल तो अभी क्या है, मैंने पढ़ाई वढ़ाई तो अभी मैं कर ही रहा था, बीच में कोमल दीदी आई थी, तो दीदी को अभी जाना है कुछ सामान लेने बाहर, तो मैं भी जा रहा हूँ, चलते हैं। तो और अभी तो रात हो गई, लेकिन तब भी हम घूम फिर के आएंगे, और ताई दीदी अभी तक नहीं आ रही हैं, तो अभी आने वाली है रास्ते में, कह रही थी। तो गाइस निकल चुके हैं हम घर से, और अब हम जा रहे हैं लेने मार्केट, और फिर हम आएंगे वापस घर, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और आज दीदी का टेस्ट है, दीदी को घर का कुछ सामान लाना है, जैसे आटा दाल चावल, आंटी ने बोला आज अब ये सीखेगी, तो ऐसे करके।
दीदी कैसा लग रहा है शॉपिंग करके? गाइस हमने सामान ले लिया है, देखो अब हम जा रहे हैं और आज आंटी बड़ी तारीफ करेंगे आपकी कि मेरी बेटी सामान, हाँ आंटी मेरी बेटी सामान खरीद के ले आई आज। तो गाइस फिलहाल तो मैं घर आ चुका हूँ और हमने खाना वगैरह सब खा लिया है और जो मैं हॉलीडे होमवर्क में जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो फाइल जो है वो है सोशल साइंस की। तो उसमें जो हमारा टॉपिक जो है वो है इंडिया में जो भी इशू चल रहे हैं, इशूज़ हैं या मतलब कुछ टॉपिक दे रखे हैं, तो आप वो उसमें से भी कुछ कर सकते हो। मैंने लिया है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन का, तो मैं उस चीज़ के ऊपर बना रहा हूँ। जिस दिन फाइल बन जाएगी उस दिन आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैंने अभी एक ही पेज लिखा है, तो कैसे फिलहाल मैंने एक ही पेज लिख रखा है एंड यही अभी हम और बनाएंगे और आपको बताऊँगा पूरे अच्छे से, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं छत पे वॉक करने, खाना वगैरह सब खा लिया था तो मम्मी जी ने बर्तन धो रही है, उसके बाद चलते हैं ऊपर हम छत में वॉक करने। तो गाइस देखो यहाँ पर हम मिट्टी में खेलने लग गए हैं और देखो यहाँ मैं पतीला और जो मिट्टी है वो हम रेत से खेलेंगे। मैं और ले आया हूँ, हम इस चीज़ से खेलेंगे। हाँ के बढ़िया, तो देखो पूरा गीली गीली कर रखी है हाथ की, देखो चॉकलेटी लग रही है ना पूरी। काश इतनी चॉकलेट मिल जाती हमको यार, है ना, इतनी सारी चॉकलेट। हमें बताओ इसको क्यों नहीं लगाना है? आपने कहा ना एक दूसरे के नाखून मत लगाना, यू भी कह रहा क्यों लग रहा है छह से नीचे आ चुके हैं वॉक करके। फिलहाल वॉक तो क्या कह रहे हैं मिट्टी में खेला, इसी के संग करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।